फेशियल वेरिफिकेशन प्रणाली के माध्यम से नागरिकों की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों सिंगापुर की बात चल रही है तो आपको बता दूं कि यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं हलीमा याकूब, और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के ली सियन लुंग। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रेटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। आई थिंक आप सभी को पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विक्रम साराभाई आपको याद रखना है, ये इन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसरो के ये फाउंडर भी हैं, है ना? विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर है और 1969 में इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो को क्या है? हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएट टायर्स द्वारा बॉलीवुड के किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? याद रखना है आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आमिर खान। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, आमिर खान जो है ये अभी सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। आपको याद रखना है सीएट टायर्स के साथ साथ वेदांतु लर्निंग ऐप जो है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान ही हैं। ओके, आयुष्मान खुराना की बात करें दोस्तों, तो आयुष्मान खुराना ये बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस, टोयोटा और टाइटन के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान पेप्सी, ह्युंडई, डिश, लक्स, बायजूस लर्निंग ऐप है, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। विक्की कौशल जो है ये हैवल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, यानी कि मार्स 2020। क्या है ये? मार्स 2020 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है दोस्तों। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दूं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा कीजिए हमेशा। चलिए, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार को सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आई थिंक आप सभी को पता है, सुशांत सिंह राजपूत, है ना? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुशांत सिंह राजपूत। इन्हें कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा हाल ही में बॉलीवुड कला इन्हें सम्मानित किया गया है, सुशांत सिंह राजपूत को, जिनका हाल ही में 2020 में मतलब इनका निधन हो गया था, है ना? चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? एनी गैसेस? ओके, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपने यहाँ पर एक मार्क्स स्कोर कर लिया है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर रखा गया है अब अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इनके नाम से ये रखा गया है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों दो तरह के, कि अटल बिहारी वाजपेयी जो ये नया नाम है पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, इस एक्सप्रेस वे का नाम पहले क्या था? तो आपको याद रखना है ये था पहले ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात चल रही है तो हाल ही में 2020 में 3 अक्टूबर को इसकी उद्घाटन हुई थी अटल टनल की, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई थी, है ना? अटल टनल कितनी किलोमीटर है? ये 9.2 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, ये सब पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में आपके, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है? ओके, तो जितने भी रिलेटेड स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को देखिएगा, और इंतज़ार आपका अभियान ये
मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, आप सभी को याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सभी, तो आपको याद रखना है हर स्टेट के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, तो इन सभी को याद रखिएगा। इंतज़ार आपका अभियान कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसराइल एंड यूएई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? इसराइल एंड यूएई। 15 अक्टूबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई थी? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है? तो आपको याद रखना है 2020 में 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे का अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है, और 2020 में इनकी 79वीं जयंती मनाई गई थी। 89th बर्थ एनिवर्सरी इनकी 15 अक्टूबर 2020 को मनाई गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम की। और ये आपको बता दूँ कि और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसे हम भारत में स्टूडेंट्स डे मनाते हैं इस दिन को, है ना? आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल इनके जन्मदिन के अवसर पर। और इस बार का थीम आपको याद रखना है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का, ये था आपका लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। क्या था? लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि 30 जुलाई है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। ओके, आपको याद रखना है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, ये आपका हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 20 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 76वीं जयंती मनाई गई थी? ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी पीवी संधु, या फिर डी है अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों, सब ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया है आपको, आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे जितना हो पाए उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।